बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, और जब जिम्मेदारी पूरी के पूरे मल्टीवर्स की हो तो अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन को एक साथ आना ही पड़ता है। भले ही लाइव एक्शन में हमारा मल्टीवर्स का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बट इसे बहुत ही सक्सेसफुली एमसीयू के बाहर सोनी पिक्चर्स ने अपनी एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में करके दिखाया है, जिसके यूनिक विजुअल स्टाइल और कहानी की वजह से ये एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेटेड मूवी तो है ही, साथ ही साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन मार्वल स्पाइडरमैन और ओवरऑल एक ऑसम सुपर हीरो मूवी है, जिसने अपने नाम पर बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। यही कारण है कि ये मूवी लोगों के बीच में आते ही इतनी ज्यादा फेमस हो गई, और इसकी एक बहुत ही भारी डिमांड हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से कई बार आ चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉइलर्स के साथ, क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको पता चलने वाला है कि स्टैनली को इस मूवी के अंदर कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया गया है, सैम रायमी के स्पाइडरमैन 4 के कौन से प्लान को इस मूवी के अंदर हिंट किया गया है, शुरुआत में कितना वक्त लगा था एनिमेटर्स को इसकी 10 सेकंड की क्लिप बनाने में, और साथ ही साथ जानेंगे इसके यूनिक और ऑसम विजुअल स्टाइल के पीछे की कहानी, जानेंगे ये मूवी टॉम हॉलैंड को आखिर कैसी लगी थी, और फाइनली जानेंगे कि इसके सीक्वल के साथ साथ और कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंग सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम रायमी की स्पाइडरमैन मूवीज के बाद सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के रूप में स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को फिर से रीबूट किया, लेकिन फिर भी ये स्पाइडरमैन की मूवीज ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण सोनी ने स्पाइडरमैन की राइट्स को मेंटेन रखने के लिए स्पाइडरमैन की एक एनिमेटेड कॉमेडी मूवी बनाने का प्लान शुरू कर दिया था, जिसका असल भांडा फूटा 2014 के सोनी हैक में, जहां पर इस बात को लीक कर दिया गया कि सोनी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी की एक बार फिर से शुरुआत कर रहा है, जहां पर वो इसकी कॉमेडी एनिमेटेड मूवी से शुरुआत करेगा। फाइनली इस लीक को 2015 के कॉमिक कॉन में सोनी पिक्चर्स के चेयरमैन टॉम रॉथमन ने कंफर्म किया, जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये मूवीज स्पाइडरमैन के बाकी यूनिवर्सेस के साथ कोएग्जिस्ट करेगी। शेमिक मूर, जिन्होंने मूवी के अंदर माइल्स मोरेलिस की आवाज को दिया है, वो बचपन से स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ तक कि अपनी टीनेज ईयर्स में उन्होंने अपनी डायरी के अंदर ये तक लिख लिया था कि वो एक दिन स्पाइडरमैन का रोल जरूर प्ले करेंगे, और किस्मत ने उनका पूरा साथ निभाया, जहाँ पर उन्हें माइल्स मोरेलिस के ऑफिशियल सिनेमैटिक डेब्यू में आवाज देने का मौका मिला। इस मूवी के को डायरेक्टर रॉडनी रॉथमैन ने एक्सप्लेन किया कि शेमिक मूर की यूनिक स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज ने ही माइल्स के कई सारे कैरेक्टराइजेशन को डेवलप करने में हेल्प की है, जहां पर उन्होंने थ्रू आउट द मूवी कई जगहों पर माइल्स के अनस्क्रिप्टेड वर्ड्स और इमोशंस को रिकॉर्ड किया है। इस मूवी के अंदर किंग पिन का पूरा प्लान 2017 के स्पाइडरमैन 2 कॉमिक से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस यहां पर फर्क ये है कि किंग पिन यानी कि विल्सन फिस्क कॉमिक बुक के अंदर अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर अपनी वाइफ और बेटी के बजाय अपने दोस्त के लिए उसकी वाइफ की अल्टरनेट वर्जन को ढूंढने में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरेलिस का ही एक अल्टरनेट वर्जन था। हर एक मार्वल मूवी की तरह इस मार्वल मूवी में भी स्टैन द मैनली का कैमियो है, बट आप में से हो सकता है कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि स्टैनली इस मूवी का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है, जहां पर उनकी डेथ के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म मेकर्स ने उन्हें एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने का फैसला किया, जिसके कारण इनका एक फुल प्रूफ कैमियो सीन तो मूवी के अंदर दिखाया ही गया, साथ ही साथ इस मूवी के डेवलपमेंट में जुड़े 180 एनिमेटर्स में से हर एक ने स्टैनली को अपने हिसाब से ड्रॉ करने की इच्छा जताई, जिसके कारण इस मूवी में कई जगहों पर हिडन स्टैनली कैमियोज इन्वॉल्व हैं, जहां पर स्टैनली हमें ट्रेन्स और पेडेस्ट्रियंस के बीच में भी दिख चुके हैं। इस मूवी के अंदर माइल्स के गुरु पीटर बी पार्कर की हालत को बहुत ही खराब दिखाया गया है, जहां पर उसकी लव ऑफ द लाइफ एमजे के साथ डिवोर्स होते हुए भी दिखाया गया है। वेल, ये बेसिकली एक छोटा सा रेफरेंस था सैम रायमी की अनमेड स्पाइडरमैन 4 के अर्ली स्क्रिप्ट ड्राफ्ट का, जिसमें पीटर के साथ फेलिशिया हार्डी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पीटर पार्कर और एमजे अलग हो जाते हैं, और इस मूवी के अंदर फेलिशिया हार्डी का रोल एन हैथवे प्ले करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आगे बन ही नहीं पाई। अब मुझे मालूम है कि मैंने इस बात को इस चैनल पर कई बार बताया है, और आप में से बहुत सारे लोग को ये बात मालूम भी होगी, लेकिन उन्हें जिन्हें नहीं मालूम मैं बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी माइल्स मोरेलिस एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें माइल्स मोरेलिस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी दिख सकता है, जहां पर उसके अंकल एरन डेविस का हिंट स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला था, जिसका रोल डोनाल्ड ग्लोवर ने प्ले किया है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरेलिस की कास्टिंग भी चल रही है, जिसके कारण क्या मालूम हमें एमसीयू के अंदर दो दो स्पाइडरमैन भी एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी के अंदर हमें माइल्स मोरेलिस के साथ साथ
कई और स्पाइडरमैन का ऑफिशियल डेब्यू दिखाया गया, जिसमें सबसे आइकॉनिक था पीटर पोर्कर का डेब्यू, जिसे प्ले करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन जॉन मुलानी की भी ये पहली थियेटिकल मूवी अपीयरेंस थी। वेल, मूवी के अंदर इस रोल को प्ले करने के लिए उन्हें पूरी आजादी दी गई थी, जिसके कारण कई जगहों पर उन्होंने अपनी ओर से स्क्रिप्ट के बाहर एडल्ट और कस वर्ड्स तक बोले थे, लेकिन फाइनली उन्हें समझाया गया कि ये एक पीजी रेटेड मूवी होने वाली है। निकोलस केज ने इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन नोयर का पोर्ट्रेयल लेट क्लासिक अमेरिकन एक्टर हम्फ्री बोगार्ट पर मॉडल किया है, जो 1930s में अपने नोयर गैंगस्टर मूवीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि निकोलस केज ने हम्फ्री बोगार्ट के फास्ट पेस बोलने के स्टाइल को भी कॉपी किया, जो एक तरह से स्पाइडरमैन नोयर पर बहुत ज्यादा जचा। पहली मूवी के कुछ अल्टरनेट प्लान्स भी थे, जिसे फाइनल मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी के अंदर हमें माइल्स और ग्वेन का रोमांस भी दिखने वाला था, लेकिन मूवी के असल थीम स्पाइडरमैन पर फोकस करने के लिए इस एलिमेंट को मूवी से हटाना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ हमें टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर एक कैमियो भी दिखने वाला था। यहां तक कि टॉम हॉलैंड ने एक ट्रेन स्टेशन का कैमियो भी रिकॉर्ड किया था, जहां पर एमसीयू का स्पाइडरमैन माइल्स से मिलता, लेकिन ऑडियंस को ज्यादा कंफ्यूज न करने के लिए सोनी ने इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया। इस मूवी का एनिमेशन किसी और देखी एनिमेटेड मूवी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। यही कारण है कि एनिमेशन स्टाइल बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी था, जहां पर बेसिकली पूरी की पूरी ये मूवी कॉमिक बुक्स को एक होमाज थी, और बेसिकली फिल्म मेकर्स का यही इंटेंशन था कि इस मूवी को देखते हुए ऑडियंस यही फील करे कि वो बेसिकली एक लिविंग और टॉकिंग कॉमिक बुक पढ़ रहे हो। बात करें अगर इसके असल चैलेंज की, तो इसके एनिमेशन स्टाइल को विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की फुटेज को डेवलप करने के लिए एनिमेटर्स को साल भर तक का वक्त लगा, और शुरुआत में इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमेटर अल्बर्टो मिलगो काम कर रहे थे, लेकिन फाइनली इस टीम में 60 एनिमेटर्स को इंक्लूड किया गया, जिसका नंबर बढ़ते बढ़ते 142 हुआ, और 2018 तक इस मूवी को टोटल 180 एनिमेटर्स ने कम्प्लीट किया। इस मूवी की एनिमेशन को सोनी पिक्चर्स की इन हाउस इमेज वर्क स्टूडियोज ने संभाला है, जहां पर स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए ट्रेडिशनल सीजीआई एनिमेशन के ऊपर लगभग हर एक फ्रेम पर कॉमिक बुक की तरह लाइन वर्क, पेंटिंग और डॉट्स बनाए गए हैं, जिसके कारण अगर आप इस मूवी को कहीं पर भी पॉज करेंगे तो वो आपको बेसिकली कॉमिक बुक के एक पैनल की तरह नजर आएगा, जहां पर इसके कई सारे फास्ट पेस सीक्वेंसेस के लिए मोशन ब्लर के बजाय मोशन स्मेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर कई जगहों पर इस मूवी के अंदर सीन्स को 12 से 24 फ्रेम्स पर सेकंड्स पर फ्लक्चुएट किया गया है, जो सीन की इंटेंसिटी और कई जगहों पर स्पेशल कैरेक्टर्स को फोकस करने के लिए बनाया गया था, जिसके कारण पीटर और माइल्स के एक साथ के कई सीन्स में आपको पीटर के एनिमेशन तो बहुत हद तक स्मूथ लग सकते हैं, वहीं पर आपको माइल्स के एनिमेशन थोड़े चौपी लगेंगे। ये बेसिकली माइल्स के इनएक्सपीरियंस को डिनोट करने का एनिमेटर्स का एक तरीका था। अब चलिए बात करते हैं फाइनली इस ऑसम मूवी के अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि ना ही ये एक सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी है, बल्कि एक बेहतरीन स्पाइडरमैन मूवी और अपने आप में एक बेहतरीन फुल प्रूफ मार्वल मूवी है। यही कारण है कि इस मूवी के 90 मिलियन डॉलर्स के टोटल बजट पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 375 मिलियन डॉलर्स कमाए। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, तो ये मूवी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को पसंद आई, जहां पर रॉटन टोमेटोस पर इसने हाईएस्ट 97% की रेटिंग एक्वायर की है। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स की, तो इसने 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 24th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और 91st एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, और 2011 की रैंगो के बाद ये एकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली नॉन डिज्नी मूवी बनी, और अब तक सिर्फ और सिर्फ 6 नॉन डिज्नी मूवीज ने एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड जीता है। वैसे लोगों को तो ये मूवी पसंद आई ही, साथ ही साथ एमसीयू से जुड़े हुए लोगों को भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, जहां पर टॉम हॉलैंड जो एमसीयू के अंदर पीटर पार्कर का रोल प्ले करते हैं, उन्हें ये मूवी सबसे कूलेस्ट स्पाइडरमैन मूवीज में से एक लगा। वहीं पर क्रिस प्रैट जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में स्टार लॉर्ड का रोल प्ले करते हैं, उन्हें ये मूवी इमोशनली मूविंग, कटिंग एज, प्रोग्रेसिव, डाइवर्स, फनी, मेटा, एक्शन पैक्ड, सिली, विजुअली स्टनिंग मास्टरपीस लगी। वहीं पर जेम्स गन जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज को डायरेक्ट किया है, उन्होंने इस मूवी को अपनी फेवरेट सुपर हीरो मूवी बताया। वहीं पर एमसीयू के मास्टरमाइंड केविन फाइगी को भी ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप भी इस मूवी के अनोखे विजुअल स्टाइल और कहानी के फैन बन चुके हैं और इसकी सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो गाइज इसकी सीक्वल तो आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ इस यूनिवर्स से जुड़े हुए कई और चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले होगा स्पाइडर वुमन का स्पिन ऑफ, जो बेसिकली स्पाइडर वुमन के 3 जनरेशंस को शोकेस करेगा, जिसमें हमें स्पाइडर ग्वेन, स्पाइडर वुमन जेसिका ड्रू और सिंडी मून की सिल्क भी दिखेगी। इस मूवी को लॉरेन मॉन्टगोमेरी डायरेक्ट करेंगी। वहीं पर बैक स्मिथ इस मूवी के स्क्रीन राइटर हैं।
वहीं पर दूसरी तरफ सोनी ने स्क्रीन राइटर्स फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर इस मूवी पर बेस्ड एक टीवी शो तो आएगी ही, साथ ही साथ इस मूवी के कई सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड टीवी शोज भी आएंगी। और अगर फाइनली बात की जाए इसके आने वाली सीक्वल की, तो ये मूवी हमें देखने को मिलेगी 7 अक्टूबर 2022 को, जिसे ओरिजिनली 8 अप्रैल 2022 को रिलीज करने का प्लान किया गया था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस इसे आगे शिफ्ट कर दिया गया। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जोआकिम दोस सांतोस, जहां पर इसका स्क्रीन प्ले डेविड कैलहम लिख रहा है। और अगर बात करें कंफर्म्ड कास्ट की, तो हमें शेमिक मूर का माइस मोरालेस और हेनी साइनफील्ड की ग्वेन स्टेसी का दिखना कंफर्म है। वहीं पर अगर पहली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें, तो इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन 2099 का रोल ऑस्कर आइजैक ने प्ले किया था, और उनके कैरेक्टर का दूसरी मूवी के अंदर दिखने का चांस भी बहुत ज्यादा है। और तो और इस बात के भी हिंट दिए गए हैं कि हमें 1978 का जैपनी स्पाइडरमैन भी इस मूवी के अंदर दिख सकता है। और जैसा कि मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स वाला लोचा दिखाने का फैसला कर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सीक्वल में हमें एमसीयू का कोई हिंट या रेफरेंस देखने को भी मिल सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवीज फैक्ट्स। विदाउट अ डाउट मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये मेरी सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन मूवीज में से एक है, और इससे जुड़े हुए आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ऑब्वियसली मुझे इसकी एनिमेशन और आर्ट स्टाइल से जुड़ी हुई बातों को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।